आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हमारे यहाँ पे सभी अच्छे हैं। अभी पता है 20 अप्रैल को जो है लॉकडाउन के लिए थोड़ी सी जो राहत मिली थी ना, तो राहत मिलते ही हमारे यहाँ तो मरीजों की संख्या बढ़ गई अलीगढ़ में। पहले एक था और अभी 4 मिले थे जिसमें से एक की डेथ हो गई है। तो अभी यहाँ तो सब बहुत टाइटनेस कर दी है, मतलब जो पहले नियम था ना कि मतलब 20 तारीख से जो बना था कि आप थोड़ा आ जा सकते हो, अब तो वो भी बंद कर दिया है और पता नहीं है कब वायरस ख़त्म होगा और कब शांति मिलेगी। और शहरों में क्या है, सब बोलते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, कोई काम नहीं है, क्योंकि है भी नहीं शहरों में, है क्या, घरों में बस रहो और क्या। अब ब्लेज लाइफ तो भाई ब्लेज लाइफ है, ब्लेज में तो अपना है कि देखो अभी हमारे यहाँ खेतों में काम चल रहा था, आपने भी देखा, मुझे भी देखा होगा खेतों में, और हम लोग पशु पालते हैं तो वो सारा काम हो गया। तो गाँव में बहुत सारे काम होते हैं और मुझसे ना किसी ने कहा, बहुत लोग कहते हैं किसी के बहुत लोग कहते हैं कि आप जो हो पढ़ी लिखी हो तो आपने गांव में शादी क्यों की, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि एक होती है ना कि हमारे पास हरी झंडी भी होती है और सपोर्ट भी होता है, पर है ना हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, मेरे पास डिग्रीज भी हैं और मुझे फैमिली का सपोर्ट भी था आगे बढ़ने के लिए, पर हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरी जो सासू माँ हैं वो पैरों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो बच्चों को रख नहीं सकती। तो मेरी शादी के बाद जो है मैंने, मेरी 2010 में मेरी शादी हुई थी, तब मैं BA फर्स्ट ईयर कर रही थी। मैंने बाकी की पढ़ाई सारी यहीं से की अपने ससुराल से, और 2012 में मैंने अपनी पहले बेबी की को डिलीवर किया था। बेटी है मेरी बड़ी और बेटा छोटा है, वो 5 साल छोटा है। तो 5 साल के दरमियान मेरी BA भी हो गई थी, MA भी हो गई थी और आगे का सोच भी रही थी मैं, जैसे पढ़ रही थी या जैसे कुछ भी करती, BEd BTC जो भी था। पर जो मेरी सेकंड डिलीवरी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो केस इतना बिगड़ गया था कि बहुत ज़्यादा मेरी नौबत आ गई जाने की। तो मैं फिर अब उसके बाद थोड़े हालात ऐसे हो गए कि मैं बच्चों को संभालूँ या खुद को संभालूँ या फैमिली को संभालूँ, तो मैं नहीं कर पाई। तो बस ऐसे ही कुछ कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता और कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। तो मैं अपने फैमिली में खुश हूँ, जैसा भी है जो भी है, और पूछने वालों का भी फर्ज बनता है भाई कि सामने वाला बंदा क्वालिफाइड है, ठीक है, अच्छा खासा है, तो अप्लाई क्यों नहीं किया किसी चीज़ के लिए। तो बस कुछ हालात ही ऐसे हो गए। और गाइस आपका मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, मैं रीड करती हूँ, उनका रिप्लाई भी करती हूँ। बाई चांस मैं रिप्लाई नहीं कर पाती तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो। और आज मैं आपसे ना अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, कुछ खास नहीं है, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं कर रही हूँ ये तो आपसे शेयर करूँ। तो मैं आज जो बना रही हूँ वो आप देखिएगा प्लीज़, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कीप वॉचिंग। तो मैं आज बना रही हूँ सिलबट्टी की चटनी, धनिया मिर्ची वाली जो होती है। तो अगर आप गांव से हैं तो आपको इसका स्वाद तो पता ही होगा। हम लोग जो जार में बनाते हैं वो भी अच्छी होती है, पर है ना वो जो देसीपन जो होता है ना चटनी में वो नहीं आता, वो सिलबट्टे की पे ही आता है। वो चटनी हम जो जार में पीसते हैं उससे, आप जैसे आप घर में कुछ बना रहे हैं जैसे पकौड़े या फिर बरूले वगैरह जो भी, जिसके साथ भी चटनी खाई जाती है वो उनके साथ अच्छी लगती है, पर हम जो भी रोटियां खाते हैं ना वो बस यही वाली चटनी अच्छी लगती है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और आप गांव से होंगे तो शायद आपको भी अच्छी लगती होगी। और इसके साथ मैं बनाऊंगी पानी के हाथ की रोटियां, तो आप भी देखिएगा। और इसमें मैंने डाला है हरा धनिया, आधी प्याज, एक टमाटर और 4-5 मिर्चें,
और मसालों में है जीरा, हींग और नमक, थोड़ा सा काला नमक, मिर्ची पाउडर, और आप जो भी जो चीज़ डालना चाहें वो डाल सकते हैं। लहसुन मैंने अवॉइड कर दिया है। और फिर इसको अच्छे से सिलबट्टे से पीस लूँगी। बहुत लोग लहसुन की कली डालते हैं, पर अभी था नहीं तो मैंने इसलिए हटा दिया उसे। और लहसुन मेरी सासू माँ नहीं खाती हैं, तो मैं भी कभी कभी डालती हूँ। तो आज ये सिलबट्टे पे चटनी बना रही थी, तो लहसुन डालना ज़रूरी भी नहीं समझा। और कभी अभी पता है आम ही आएंगी, हमारे यहाँ आम आने वाले हैं पेड़ों पे। अगर आप चटनी में आम ही डाल के बनाए ना, कच्चे सच्चे, बहुत अच्छा लगता है। तो ये तैयार है मेरी चटनी। पता है हम चूल्हे पे भी खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ चूल्हा जो है ऊपर छत पे है, क्योंकि हमारा जो घर पक्का है और बंद है। अगर नीचे चूल्हा रखेंगे तो धुएं की वजह से परेशान हो जाएंगे। और हमारा जो घर है वो खेतों के पास ही है, तो छत पे चूल्हा बना हुआ है, और उस पे रोटी करना अभी हम ठीक नहीं समझ रहे, क्योंकि आंधी तूफान आता है, हवा भी चलती है, और आप जानते हैं कि इन दिनों में अगर कहीं आग की थोड़ी सी चिंगारी भी लग जाए तो बुज्जी हैं, बिटोरे हैं, उनमें आग लग जाती है। तो अभी हमारे आसपास के घरों में तो बुज्जी बिटोरों की ही तैयारी हो रही है, तो इसलिए। और फिर ना चूल्हे पे मैं खाना तभी ज़्यादा बनाती हूँ, जैसे पानी के हाथ की रोटी बनाना हुआ, मक्के बाजरे की रोटी बनाना हुआ, तभी मैं चूल्हा जलाती हूँ। और अभी तो वैसे भी काम बहुत ज़्यादा है, तो चूल्हे के लिए फुर्सत नहीं है, और हम लोग लेट खाना खाते हैं, तो इसीलिए ऊपर छत पे खाना अभी मैं बना नहीं रही हूँ। फ्री होंगी तो तब बनाना शुरू करूँगी, वो भी शाम को। तो मैं रोटियों के लिए आटा गूंथ रही हूँ, और पानी के हाथ की रोटी बनाने के लिए थोड़ा स्मूथ आटा अच्छा रहता है, तो मतलब ज़्यादा टाइटनेस ना हो उसमें, क्योंकि वो हाथ से बढ़ानी पड़ती है। और वैसे तो सभी जानते हैं कि हर कोई हर तरीके के आटे से, जैसे ज़रूरी नहीं है मैं जैसा आटा लगाती हूँ वैसा आप लगाते हो, अपनी अपनी आदत होती है, जैसा भी आप आटा लगाते हो। और इसमें क्या होता है ना, आजकल खाना बनाने में तो हर कोई परफेक्ट है, तो मैं बस अपना दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। चुकी है मेरी रोटियां। और अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो थोड़ा धीमी आंच से सेकें तो अच्छी सिकती है, और ये पानी के हाथ की रोटी तो करारी ही अच्छी लगती है। और करारी सिकने के बाद इस पे लगाओ ज़्यादा सा घी, और उसे थोड़ा सा हाथों से मरोड़ दो,
तो घी जब एब्जॉर्ब हो जाता है ना सारे में, सच्ची में बड़ी टेस्टी लगती है। लोगों ने खाना खा लिया है, सारा काम भी फिनिश हो गया है, बस बर्तन साफ कर रही हूँ मैं। बच्चे भी दोनों सो गए हैं। गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं है तो, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें वीडियो अच्छी लगे तो। हमारे घर में ना थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लाइट तो है, पर ये ना जो हमारे यहाँ ट्यूब लाइट्स लगी हुई है इनमें पता नहीं क्यों वीडियो कुछ ऐसे ब्लिंक सी करती है, जैसे आप देख रहे हैं ना, तो ये लाइट ही पता नहीं क्यों ऐसी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।